You need to structure your answer really well. You need to do a precise introduction. Along with that, you need to provide subheadings, bifurcation, and hi, my name is Aditi Sharma. I'm a career psychologist at Plutus IAS, and today I'm going to tell you about preparation approach and strategies for ethics paper writing. To show a remarkable proficiency in your ethics paper writing, you need to approach your answer distinctively, a meticulous understanding of the answer. आपको अपने answer की demand को समझना होगा कि आपसे question क्या demand करना है and उसके according आपको एक deliberate pause के साथ अपना answer present करना होगा. Second thing is that your structure. You need to structure your answer really well. You need to do a precise introduction. Along with that, you need to provide subheadings, bifurcation, and conclude your answer really well. थर्ड थिंग इज़ दैट आपकी लैंग्वेज में कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए. आप कुछ भी लिखो वो क्लियर प्रिसाइज एंड जो भी आपका आंसर राइटिंग हो वो एरर फ्री होना चाहिए. अलॉन्ग विद डैट आई एम गोइंग टू टेल यू डैट आपकी जो इंट्रोडक्शन होती है आप उसको यूनिक बनाने के लिए उसमें टूल्स यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोटेशंस, स्टैटिस्टिक टूल्स एक्सेट्रा. फ्रेश एग्जाम्पल्स एंड इमेजिनेटिव एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं आप अपने आंसर राइटिंग में. एंड एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी दैट यू शुड नॉट बी द पर्सन हु इज़ बुकिश. आपको अपनी आंसर राइटिंग में कभी भी बुकिश नॉलेज नहीं लिखनी चाहिए. आपको हमेशा अपना आंसर अपनी सराउंडिंग्स को देखकर प्रेजेंट करना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दीज आर माय टिप्स एंड टेक्निक्स दैट यू कैन यूज़ टू एनहांस योर एथिक्स पेपर राइटिंग. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.